जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। हर एक व्यक्ति की कुछ न कुछ अपनी मनोकामनाएं होती है जिसे वो पूरा करना चाहता है। उसके लिए वो बहुत से यप, तप, जप सभी चीज़ें करता है। लेकिन अगर आपको यह मंत्र पता लग जाए कि किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ये मंत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं और इससे बिल्कुल 100% मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इससे फ़ायदा होता ही है और मनोकामना जो भी है वो पूर्ण होती ही है। पर इसमें एक बात जो मुख्यतः मनोकामना में यह है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो किसी को नुकसान पहुँचाना आप चाहते हैं, हार्म पहुँचाना चाहते हैं, तब ये कारगर या लागू नहीं होगी। मैं पहले ही आपको अंडरलाइन कर दूँ। तो वो है क्या, वो मंत्र कौन सा है, वो तरीका कौन सा है और उसे कैसे करना चाहिए, इस सभी चीज़ों को आप बहुत बारीकी से समझें। समझने के बाद अपने जीवन में इसे प्रैक्टिकल तौर पर करें। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बेल आइकॉन को दबाएँ, सब्सक्राइब को करें और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय जय शिव शंभु, हर हर महादेव, भोलेनाथ का कोई एक मंत्र लिखे, कोई एक नाम लिखे, जो भी आपको अच्छा लगे। अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले, अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, अब मानते हैं ज़्यादा वक्त न गवाते हुए सीधे मुद्दे के ऊपर। सबसे पहले तो आपकी मनोकामना आपके मन में सोच लें, या जो भी मनोकामना है आपकी वो आप ईश्वर के लिए सोच लें कि हे भगवान, मेरी ये मनोकामना है। उस मनोकामना के अवज में आप अपने मंत्र जप करना शुरू करें। अब वो मंत्र कौन सा है, वो मंत्र या तो ओम नमः शिवाय हो सकता है, महामृत्युंजय मंत्र हो सकता है, गायत्री मंत्र हो सकता है, कोई भी मंत्र ले ले, उसे जप कैसे करना है ये बात को समझ ले। उस मंत्र के जप को सतत करना है, उठते बैठते जब भी आपको वक्त मिले। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इस समय करें या इस तरह से करें, अधिक से अधिक करना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो मंत्र जप को सुन सकते हैं, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और सुनना शुरू कर दें। दोस्तों, जैसे जैसे आप उस मंत्र के बहाव में जाएंगे, जब उस मंत्र का जप करना शुरू करेंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपकी जो पॉजिटिव मनोकामना है वह स्वतः ही पूरी हो जाएगी। वो चीज़ें जो सब कुछ बिगड़ी हुई है वो व्यवस्थित होने लग जाएगी और जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमें धीरे 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 मिल जाएगी। ये मैंने निजी तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर किया है। मैंने कई सारे जातकों के साथ इस प्रयोग को शेयर किया है, उन्होंने भी किया, उन्हें भी फ़ायदा हुआ। और मैं आपसे एक वादा कर रहा हूँ कि अगर आपकी कुछ सकारात्मक चीज़ है जो आप मांगना चाहते हैं ईश्वर से, आप इसके प्रयोग से आपको जरूर मिलेगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। अगले वीडियो मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।